तो जमशेदपुर में रघुवर दास और सरयू राय के समर्थक इन दिनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। एक तरफ सरयू का शिलापट तोड़ने को लेकर सरयू के समर्थक रघुवर के समर्थकों पर कार्रवाई चाहते हैं, तो दूसरी ओर रघुवर नगर में लगे रघुवर के बोर्ड पर कालिक पोतने का विरोध और कालिक पोते वाले पर रघुवर समर्थक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में दोनों बड़े नेताओं के समर्थक आमने सामने हैं, जिसकी वजह से जिला प्रशासन की त्योरियां पर पसीना आ गया है और उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, एक बड़ी चुनौती हो गई है कि कैसे शांति व्यवस्था इस इलाके में बहाल रखा जाए। 2019 विधानसभा चुनाव से पहले रघुवर दास और सरयू राय एक ही पार्टी के कद्दावर नेता थे, लेकिन चुनाव में बीजेपी ने सरयू को टिकट नहीं दिया और इसके बाद से मामला बिगड़ता चला गया। आखिरकार सरयू रघुवर के खिलाफ जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव मैदान में उतर गए। चुनाव में रघुवर दास को मुख्यमंत्री होते हुए भी हार का सामना करना पड़ा। सरयू राय ने ये सीट करीब 16,000 वोटों से जीत ली। उसके बाद वक्त के साथ दोनों के बीच की सियासी तल्खियां बढ़ती चली गई। जुबानी वाद का सिलसिला लगातार चल रहा है। ऐसे में पूर्वी जमशेदपुर में सरयू का शिलापट तोड़ने का मामला हो या सरयू के बारडी कार्यालय में मारपीट करने का मामला, इन घटनाओं को लेकर लगातार बवाल भी होता रहा है। अब ताजा मामला बर्मा मंच थाना क्षेत्र में सरयू का शिलापट तोड़ने को लेकर हुआ है। कौन तोड़ा, किसने तोड़ा, ये खुलासा नहीं हुआ है, मगर दोनों ओर से बर्मा मंच थाना में मामला दर्ज करा दिया गया है। पुलिस पड़ताल कर रही है ताकि नतीजे तक पहुंच सके कि आखिर शिलापट तोड़ने के पीछे कौन है। लेकिन इन सब के बीच दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच जुबानी जंग भी जारी है। और राजनीति में अपराधीकरण बंद हो, भारतीय जनता मोर्चा चुप नहीं बैठेगी। ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग राजनीति में आएंगे, राजनीति चलाएंगे, तो उनका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे और उनको ये भी चेतावनी देते हैं कि बोलने के पहले अपनी भाषा का मर्यादा रखें। तो को चिन्हित करें और जो दोषी हैं भारतीय जनता मोर्चा के कार्यकर्ता, उनको प्रशासन चिन्हित कर उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे, ऐसा हम लोगों ने मांग किया था। 72 घंटे का समय समाप्ति के बाद आज हम लोगों ने जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात किया है और उनसे अब तक की कार्रवाई की जानकारी मांगी है। कभी सरयू का शिलापट तोड़ना, तो वही रघुवर नगर में रघुवर के बोर्ड पर कालिक पोतना, पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि पर आपस में मारपीट, ये तमाम घटनाएं पुलिस अपने नजरों से देख रही है और कुछ मिले वीडियो से जानकारी प्राप्त कर रही है। ऐसे में कोई विवाद बड़ा ना हो जाए, इसके लिए कुछ संवेदनशील जगहों पर फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है और शहर के थाना प्रभारियों से दोनों ओर के समर्थकों पर नजर रखने को कहा गया है। लोग से मिलकर हम लोग को अवगत भी कराएं वहाँ पर जगह पे जाके, और वहाँ पर फोर्स भी अभी स्टेशन किए हुए हैं और दोनों पक्ष जो है अपने अपने जो भी किया गया कार्य को अपने उसमें संतुष्ट करा रहे हैं कि हम लोग जो किए हैं हम लोग किसी विधिवत नहीं किए हैं, और उनको कहना है कि ये शिलापट कौन तोड़ा हमको जानकारी नहीं है, इनको कहना है कि वो उनका सिहाई कैसे डाल सकते हैं किसी भी लेवल पे, और इस मामले में जो हम लोगों का विधिवत कार्रवाई है। बहरहाल जमशेदपुर में एक तरफ अपराधियों पर नकेल कसना पुलिस के लिए चुनौती है, वहीं अब रघुवर और सरयू राय के समर्थकों के बीच हो रहे टकराव ने पुलिस की टेंशन बढ़ा दी है। न्यूज 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज कुमार की रिपोर्ट।